एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक भविष्यवाणी। आज बात करेंगे 31 अगस्त की। अगस्त महीने का आखिरी दिन कैसा रहेगा? दिन है आज सोमवार, तो क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास? क्या तीज त्यौहार अगर हैं तो क्या है? ये सारी जानकारियाँ आपको आगे वीडियो में देंगे। शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। महीना है भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वो है त्रयोदशी। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:46 तक रहेगा। राहु काल 7:34 से 9:09 तक है और दिशाशूल पूर्व दिशा में है। तो ये जानकारी पंचांग से रिलेटेड हो गई। अब बात करें तीज त्यौहारों की, तो आज है ओनम। ओनम जो है केरल का 10 दिवसीय त्यौहार है और इस पर्व का 10वां और अंतिम दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे जो है थिरुओणम कहा जाता है। मलयालम में श्रावण नक्षत्र को थिरु ओणम कहकर पुकारा जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में जो है श्रावण या थिरुओणम नक्षत्र के प्रबल होने पर थिरुओणम की पूजा की जाती है। बहुत सारी जानकारियां इस दिन के बारे में आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट का एड्रेस है www.astrosage.com। तो ये तो हो गई पंचांग की बात, तीज त्योहारों की बात। चलिए जानते हैं कि 31 अगस्त यानी अगस्त महीने का आखिरी दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, यानी राशिफल की बात करेंगे, उपाय बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे। ये तमाम जानकारी आपके दिन को खास बनाने में मदद करेंगी। तो ये जो राशिफल बताने वाले हैं आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज सट्टेबाजी से फायदा होने वाला है। फैमिली की बात करें तो आज चीजें अच्छी रहेंगी। आप अपनी योजनाओं के लिए जो है पूरे सहयोग की उम्मीद भी अपने परिवार की तरफ से कर सकते हैं, यानी आज फैमिली वालों की बहुत हेल्प मिलेगी। मैरिड लाइफ की बात करें तो एक बार जब इंसान अपना एक अच्छा पार्टनर पा लेता है तो उसको ज़िंदगी में और कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं होती। आज आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर जो है कितना अच्छा है और आप जो है उनकी प्रेजेंस से आपकी लाइफ जो है एक कंप्लीट सी आपको नजर आएगी। आपका आत्मविश्वास आपकी पेशेवर ज़िंदगी में खास असर छोड़ेगा या दूसरों को आपका नज़रिया समझाने में उनकी मदद हासिल करने में कारगर रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी भी गदगद हो जाएगा। आंखें दिल की बातें जो है बयां कर देती हैं और यह दिन अपने जीवन साथी से इसी भाषा में बात करने के लिए है। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज जो है शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाएं। आज दिन भी सोमवार है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सेहत पर गौर करने की ज़रूरत है। किसी करीबी दोस्त की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, हो सकने की संभावना भी है। तो यह जो धन है जो आपके पास आएगा आज बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। संबंधी आपके उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चौकन्ने रहे नहीं तो बाद में आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। उदारता एक हद तक ही ठीक है, लेकिन अगर यह अपना दायरा पार कर ले तो परेशानी बन जाती है। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे ना सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए। आने दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसीलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। यह समय जीवन में आपके वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। शुभ अंक की बात करें तो 6। शुभ रंग है पारदर्शी गुलाबी। उपाय के तौर पर दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए जो है आपको केसर का खाने में प्रयोग करें। आज का दिन जो है केसर को अगर खाने में प्रयोग करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। माता या पिता की सेहत पर आपको आज धन खर्च करना पड़ सकता है, यानी आपकी हेल्थ सही है, मम्मी पापा की आपकी हेल्थ जो है बिगड़ सकती है जिसकी वजह से पैसा खर्चा होगा और इसकी वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन ये जो पैसा खर्च हो रहा है इस पे परवाह ना करें। आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा इसकी वजह से कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। आज का दिन खुशियों से भरा है क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने की हर संभव कोशिश करने वाला है। आपका महबूब आज आपको बड़ी खूबसूरती से कुछ खास करके चौंका सकता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने के लिए बेहतरीन समय है। वहीं इस राशि के कुछ लोगों को आज जो है अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें।
आज आपका जीवन साथी आपको प्यार और सुख के लोक की सैर भी करा सकता है, यानी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज केसर या हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं, पैसों से रिलेटेड मामले हैं वो सुधरेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आज अतीत के गलत फैसले मानसिक अशांति और कलेश की वजह बनेंगे। आप खुद को आज अकेला पा सकते हैं और सही गलत का निर्णय करने में भी असमर्थ महसूस करेंगे। दूसरों की सलाह आज लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं आपकी समृद्धि में, आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए आज अच्छा दिन है। रिश्ते की इस नाजुक डोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के दिल में यकीन और प्यार होना चाहिए। हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और सकारात्मक तौर पर पहल करें। अपने प्रिय को नज़रअंदाज करना आज घर पर तनाव का कारण बन सकता है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर कहीं जाना है, कहीं आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो टेंशन ना लें। आपकी गैर हाजिरी में भी सारे काम ठीक से चलते रहेंगे और अगर किसी खास वजह से कोई परेशानी खड़ी भी हो जाए तो आप लौटने पर उसे आसानी से हल कर लेंगे। बिना किसी को आज बताए आप जो है अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे, शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएँ होंगी। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर गंगा जल का सेवन करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय न दें तो वह नाराज हो सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। उबाऊ होती शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें तो 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर बेसन का हलवा खाएं भी आज और खिलाएं भी, इससे आपके रिलेशन अच्छे होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। स्वयं को शांत बनाए रखें क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते आप काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खासतौर पर अपने गुस्से पर आज आपको काबू रखना है क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर का पागलपन है। सिर्फ आज अकलमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होगा, इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर लगाएं। कोई नया रिश्ता न सिर्फ लंबे वक्त तक कायम रहेगा बल्कि फायदेमंद भी साबित होगा। अपने लव पार्टनर के लिए बदले की भावना आज बिल्कुल मत रखें क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपनी सच्चे जज्बात से परिचित कराना चाहिए। तरोताजगी और मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यावसायिक लेन देन में सावधानी की जरूरत है। इस राशि के बच्चे आज खेलकूद में दिन बिता सकते हैं, ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर आज जो है सफेद चंदन का टीका मस्तक पर लगाएं, इससे संबंधों में मजबूती आएगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है। आज आपकी कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन जो है बिक सकती है, उसका मोल जो है उसका कहीं आपको खरीदार मिल सकता है जिससे मुनाफा होने की संभावना है। आज आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं आपके परिवार के लिए भी काफ़ी रोमांचित कर देने वाली होगी। आपको अपने रोमांच को लेकिन नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है ज़्यादा उत्साह में आके आप कुछ ऐसा बोल दें जो किसी को नहीं बोलना चाहिए था। अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय की बात करें तो शिव जी की आज ज़रूर पूजा करें, मंडे का दिन है तो अच्छा भी रहेगा आपके लिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी है,
पैसों की बात करें, पैसा भी अच्छा है, रुका हुआ कहीं पैसा था तो वो मिल जाएगा, आर्थिक हालात में सुधार आएगा। फैमिली लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, घर के वातावरण में कुछ बदलाव अगर करना चाहते हैं तो पहले सबकी राय जानने की कोशिश करें, नहीं तो हो सकता है आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ में अपनी सहमति नहीं रखता हो तो इससे कलेश होने की संभावना है। लव लाइफ की बात करें तो आपका लव पार्टनर आज आपको दिन भर याद करने में ही समय बिताएगा क्योंकि आज आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। जॉब जो लोग करते हैं आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है, अपने समय की कीमत को समझें। छात्र जो हैं इस राशि के और उन लोगों के बीच रहें जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं, जिन लोगों की बातें ही आपको समझ में नहीं आती उनके साथ रह के आप अपने समय को ज़ाया करेंगे तो इस चीज़ में अंतर समझने की कोशिश करें जो छात्र हैं। ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। मैरिड लोगों की बात करें तो आज जीवन साथी से निकटता बढ़ सकती है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज के दिन मांस मदिरा और तामसिक चीज़ों का त्याग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले लें, आप उन्हें ख़त्म कर दें। ऐसा आप किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा, यानी नेगेटिविटी से आज दूर रहना है पूरी तरीके से। माता पिता आज आपकी किसी तरीके से मदद करेंगे पैसों के मामले में और आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे। आज आपको दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हालांकि बच्चों को ज़्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। रोमांस को झटका लग सकता है और आपके कीमती तोहफे भी आज जादू चलाने में विफल रहेंगे। ज़रूरत के वक्त तेज़ी और होशियारी से काम करने की आपकी क्षमता आपको लोगों की प्रशंसा का पात्र बना देगी। आज के दिन अधिकांश समय खरीदारी और दूसरी गतिविधियों में आपका जाएगा। आपका जीवन साथी इस राशि के जो गृहिणियां हैं, ध्यान से सुनिए, आपका जीवन साथी आज अपने दोस्तों में कुछ ज़्यादा व्यस्त हो सकता है जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है, यानी आज आपको जीवन साथी से समय की दरकार होगी लेकिन वो दे नहीं पाएगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है, जल चढ़ाना है, सूर्य मंत्र का जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से आज अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा करने का वादा कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले जा सकता है। आज जितना हो सके लोगों से दूर रहें। लोगों को वक्त देने से बेहतर है कि अपने आप को वक्त दें। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर नेत्रहीन कोढ़ी अपंग को एक से अधिक रंग का कपड़ा दान में दें, यानी कि अपाहिज लोगों को आज उनकी मदद करनी है, उनको कपड़े दान में देने हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको वो सेल बना सकता है। अपने लिए पैसा बचाने का ख्याल आज आपका पूरा हो सकता है। उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। आज एक सलाह है कि आज के दिन औरों की राय सुनना और उन पर अमल करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है उनकी राय से, उनके सजेशन से आपको लाभ हो जाए। लव पार्टनर आपको खुश रखने के लिए आज कुछ खास करने वाला है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। ये बात थी कार्य क्षेत्र वाले लोगों की जो लोग जॉब करते हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप ज़्यादा लोगों से मिलकर परेशान हो जाते हैं, फिर आप अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफ़ी उम्दा रहने वाला है। आपको अपने लिए काफ़ी समय मिलेगा। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को आज कुछ शानदार आशीर्वाद दें जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आए। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है चलते पानी में एक सिक्का प्रवाहित कर दें या फिर एक सिक्का जो है किसी गरीब को दान में दे दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफ़ी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। काफ़ी वक्त फ़ोन ना करके आज अपने लव पार्टनर को तंग कर सकते हैं। आज आराम के लिए बहुत कम समय है क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। आपका व्यक्तित्व और लोगों से थोड़ा अलग है। आप अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। आज आपको अपने लिए वक्त तो मिलेगा लेकिन ऑफिस की कोई समस्या आपको सताती रहेगी।
आपका मैरिड लाइफ जो है आज आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीज़ें संभाल सकते हैं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करें या धार्मिक स्थल पर दान पुण्य का कार्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगस्त महीने का आखिरी दिन यानी 31 अगस्त का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तमाम जानकारियां आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको हमने दी हैं। अगर जानकारियां अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही साथ आप अपने सवाल और सुझाव भी लिखते रहें ताकि हम जो है अपने आने वाले वीडियोस में आपके सवालों को शामिल करें। तो आप अपने सवाल पूछते रहें। हफ्ते भर में जितने लोगों ने कुछ सवाल पूछा उनमें से लकी 2 जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवालों का जवाब देंगे। तो हर संडे को या हमारा स्पेशल एपिसोड जो है हमारे दैनिक राशिफल के साथ ही आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप जो है सवाल पूछें, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या सुझाव है लिखते रहें। बाकी आज ओनम है तो ओनम की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल बात करेंगे, एक नए महीने की शुरुआत हो रही है, कल से 1 सितंबर है दिन, तो एक नए महीने की शुरुआत में कैसा रहेगा कल का दिन आपके लिए, बहुत आपके लिए जानना खास होगा। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल एक गोचर भी होने वाला है, उस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या 30 त्यौहार हैं, सारी जानकारियां कल के लिए होंगी और कल का दिन बहुत खास रहने वाला है। तो इसीलिए कल मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।